पानी इस पे हल्का हल्का छिड़काव करती हूँ, और ऐसे सुबह सुबह मैं रोज़ करूँ, क्योंकि सूखना नहीं चाहिए प्रॉपर, पूरा हल्का गीला रहना चाहिए मिट्टी, तभी तो बीज फूलेगा और निकलेगा। देखते कितने दिन में निकलता है। और ये सीमेंट का बैग टैप सब तैयार है सीमेंट को लाइब्रेरी जाने के लिए। और मैंने थोड़ा बहुत चीला वीला बना के दे दिया इसको पीस करके, ये सुबह का टाइम है। और ये देखिए पीस करके, सुबह में पीसी हूँ, ज़्यादा शाम को बनाऊँगी, क्योंकि स्वप्न तो खाता नहीं है। और ये लकड़ी वाला छोड़ने बहुत काम का है भाई। दो जने उठ गए, एक जने सो रहे हैं, इस रूम में अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ हमारा। इधर सब हो चुका है कंप्लीट। आज मौसम हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सीमेंट बाहर ही। आज पंखे में नहीं बैठी है, वैसे कूलर में बैठ के चीला खाती है, आज वहीं बैठ करके खा रही है। मौसम अच्छा है ना? काफ़ी हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन चल रही, सुबह से ही मौसम ऐसा है। रात को ठंड भी लगी, आज मैंने चादर ओढ़ी थी, कल भी हो रही थी, तो रात को थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है। चलो खा लो, ये खा के जाएगी, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। आँख ऐसे क्यों कर रही है? स्टाइल मारे डरावनी जैसे। अरे बाप रे, आँख सीमन इसकी आँखें ना, कभी सीमन पूरा आँख खोलना कैसे करती है? पूरी तो खुली हुई है, पूरे खोलना। ये पता है ऐसे खोलती है ना, ऐसे लगता है डरावनी जैसे लग जाती है। सच में सीमन उस दिन मैं डर गई थी। मुझे मन करता है मुझे एक दिन इसको इतना पीटूं, इतना पीटूं, लेकिन मुझे डर इस चीज़ का है ना, चिंता। पीट तो दूंगी इसको खूब पकड़ के, इतना मारती, इतना मारती कि फिर ये ना 4 दिन तक तो उठती नहीं। लेकिन फिर दिक्कत, चाय पानी इसको मालिश भी करो सुबह शाम, दिक्कत ये हो जाती। होने के बाद फिर मैं आपकी मालिश करूंगी। हाँ मुंह बहुत चलता है इसका भाई, सच बोल देती हूँ। तो चलो भाई, खाने में क्या बना रहे? आज बना रही हूँ घिया, कल लेके आई थी कुछ सब्जी नहीं था, घिया की कोफ्ता बना लूँगी। क्यों अब मुँह टेढ़ा हो गया कोफ्ता में भी? ठीक है कड़ी बना लो। तो घिया नहीं कड़ी बनाऊँगी, हम लोगों को पेट में गैस हो जाता भाई, मैं नहीं बना रही हूँ। तुम्हारा रोज कड़ी बना लूँ, दाल बनाऊँ, कोफ्ता की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, कोफ्ता की सब्जी चावल बना लो, दाल बना। तो वो पानी पानी जैसा हो जाता है, गाढ़ा होता है, तभी तो रोटी के साथ में हम खाते हैं ना। चलो ठीक है, वो फिर पानी पानी सा हो जाता है, अजीब सा। चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, अभी बज रहे 10:30, धूप नहीं निकला है। और ये तब भी मैंने देखिए कपड़ा तो धुल दी हूँ, पता नहीं अब कहाँ डालूँगी इसको, बारिश ना हो जाए, बस ऐसे ही मौसम रहे बारिश ना हो। और एक दुख की बात आप लोगों को बताती हूँ, मैं जाते हुए मेरी पूजा हो चुकी शिव जी की, और चींटियाँ देखो देखो, और एक छिपकली भी आती है रोज यहाँ पे खाने के लिए। तो एक मिनट, आज ये फूल पीछे की तरफ खिला हुआ, आगे खिला ही नहीं एक भी ऊपर। हाँ तो मैं बता रही थी, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, ये सब जो सूख चुके थे ना, इसमें जो पानी डाल डाल के, ये देखो कैसा हो चुका। और ये किस चीज़ का पेड़ है, बेलपत्र तो नहीं लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, भगवान जाने। ये देखिए पालक का बीज मैंने लगाई थी, आप लोगों को दिखाई नहीं थी, मैंने कहा अच्छा से निकलेगा ना तब दिखाऊंगी, पर कल दिन में जो थोड़ी सी बारिश हुई ना 15-20 मिनट, ये देखिए इतना मेहनत की थी मैंने, आपको मैं दिखा दूँगी, वीडियो डाल दूँगी मैंने कैसे मेहनत की थी और कैसा मेरा मेहनत पानी में चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब सच्ची में कल मैंने इतना ध्यान नहीं दी, थोड़ा सा मैंने झाड़ू से ना इसको अभी ऊपर ऊपर की हूँ, लेकिन इधर वाला सब मर चुका है, ये देखिए एक भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ फिर अब इसको सबको ना, इतना जो है इसको मैं छोड़ देती हूँ, और इसमें तो मैं बताऊँ आपको, मतलब जितना पालक नहीं है इतना इसमें ना नीम का, ये जो है ना ये देखिए, ये सब ना नीम का बीज है, ये नीम का, ये आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये देखिए सब मोटा मोटा जो है सब नीम का ही है आधा से ज़्यादा। तो मैं क्या सोच रही, एक बार इसको हटा करके और फिर से मैं इसमें पालक डालूं। ये देखिए ऐसे उजड़ी चमन जैसे मैं क्या ही करूँगी रख के, उस कोने में है ही नहीं बिल्कुल, सब मर गया। जो छोटा पेड़ था ना, देखिए इसकी डंडी देखिए कितनी नाजुक है, ये क्या ही टिकेगा मेरे। बस यही आज बहुत मतलब मन दुखी हुआ इतना मेहनत के बाद, और ये थोड़ा सा 10 मिनट पानी हो करके और ये गया, तो मैं सबको अब हटा करके, आप लोग बताना मैं क्या करूँ, आप लोग तो बताते नहीं हूँ, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि गीला है ही अभी ना, अभी डाल दूँगी कल, आज कल मैं जा कर के ले आके। चलो क्या होता है, दुख में ही क्या कर सकते, कोई इस दुख का निवारण नहीं कर सकता मेरा। तो ये डंडी भी मैंने लगा दी थी पता है, कि वहाँ पे मैंने करेला लगा रखी, करेला की भी इसके देखो सब गिर पर रहे, जैसे टिकेंगे जब गिरी गया, तो यहाँ जड़ डाल दी थी कि ये डंडा लगा दूंगी और करेला मेरा ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा, जैसे मैंने सोची थी डाली, जैसे देखिए
को फूल की डाली जैसे इसका अच्छा ग्रो हुआ। एक चीज़ दिखाऊँ मैं, ये ना अपने आप ये जो ऊपर हमारा है ना ग्लोए ग्लोए की ये जो पतली वाली डंडी गिरी रहती है ना उसमें ये देखिए सूखी वाली खुद ही चला गया, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ये इसका बीज है, जो देसी वाला बीज होता है वो है, विदेशी वाला नहीं। इसको हमें क्या करना है, इकट्ठा नहीं डालना है, ऐसे ऐसे करके ये देखिए आप लोग इकट्ठा इकट्ठा डालूँगी ना तो इकट्ठा सब निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करके पूरा मैं डाल देती हूँ और इसके ऊपर से मैं एक बार और मिट्टी डालूँगी, वो तो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है ये बीज, तो देखती हूँ मैं भी, पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। फिर कुछ और डालेंगे इसमें, टमाटर भी, अभी टमाटर का नहीं था उनके पास बीज, तो चलो पूरा डाल करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरे में ऐसे फैला फैला के डाल दी हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर से ये ऐसे सूखा मिट्टी लेके ऊपर से हल्का हल्का ऐसे ऐसे कि ढक जाना चाहिए ये, और इसके ऊपर से थोड़ा सा फिर पानी का फुहारा डाल देंगे। ये बीज जो है ना वो ढक जाना चाहिए ऐसे करके, बहुत मोटा नहीं, इसमें परत डालना है थोड़ा थोड़ा कि अंदर दब जाए कि पानी से बहे ना फिर ये तो ये बह जाएगा पानी से, ऊपर रहेगा बिल्कुल। तो चलो ये करके फिर बताते। तो एक बार सब बीज पे मैंने अच्छे से पानी की मतलब इसकी मिट्टी की डाल दी हूँ। अब कुछ इस प्रकार से हम छींटे, क्योंकि हमारे पास वो फुहारे वाले नहीं है, मिट्टी गीला हो जाना चाहिए, बहुत सारा पानी नहीं, ऐसे कर करके। और फिर अब मैं मिलूँगी आप लोगों से 15 दिन के बाद, ऐसे ये पूरा डाल देती हूँ, फिर 15 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता दिखाऊँगी। ये देखिए हम बना रहे करी, तो किसी में बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी बना दो बना दो, मैंने कि आज बना देती हूँ, सो अपने नहीं खाता दिक्कत ही है, तो ये करी बना रही हूँ मैं। बस अभी बस फ्राई करके डाली हूँ सब कुछ, इधर मैंने कुकर में बनाई मतलब कढ़ाई में फ्राई करके सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, अच्छी बनी है, सब ने बोरा नाश्ता किया है तो। और ये देखिए ये जो निकाल के रखी थी ना भाई, इतना मांज दिया इसको, उसके बाद भी बहुत कलर निकल रहा है इसमें, पानी में भिगो के छोड़ दी हूँ कि आगे आगे का जो लोली है ना मेन, तो लोली इसी से काम होगा, इसको तो पकड़ेंगे हम, तो भिगो के आज मैं सोच रही शाम तक छोड़ देती किसी बड़े बर्तन में, ये फूल जाएगा। और ये रोटी भी बनाई थी, तो चलो पूरा खाना बनने के बाद एक बार दिखा देंगे आप लोगों को। ये देखिए थोड़ी सी मैंने आटा और सूजी की मिक्स करके, क्योंकि मैदा नुकसान कर रहा है, सोपिन को भी दिक्कत होती है, और सिमरन भी नहीं खाती मैदा का सामान, शाम को ना उन लोगों को भूख लग जाती तो कुछ चाहिए होता है। और ये पहली बार जो डाली ये पूरा जल गया, और ये दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये सूजी है, इसीलिए आटा गूंद करके पहले मैं रख दी थी 2 घंटे पहले। और थोड़ा सा ये भी बनाई है, इसमें थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, बहुत समय लगता है भाई, तो ये थोड़ा सा बना के रख दी हूँ। और ये तो जल ही गया लेकिन टेस्ट खा ही लेंगे बच्चे या मैं भी। ये आज बनाई हूँ, पालक वाली बात से बहुत दुखी थी मैं, लेकिन थोड़ा इन लोगों को भी शाम को भूख लग जाती है, कुछ भी चाहिए होता है, तो रोज़ रोज़ समोसा वगैरह तो नहीं ला के दे सकते हैं ना, तो आज मैंने कि चलो थोड़ा बना देती हूँ, मेहनत कर लेती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताना कॉमेंट करके। सबसे पहले नमकीन तो इस डब्बे में भर के रखती, ये देख लो। और आज मैंने बनाई हूँ मलाई प्याज की सब्ज़ी, तो यहाँ पे बहुत फेमस है, तो मैं पहली बार बनाई हूँ, तो हम लोग देखते हैं खा के कैसी लगती है, तो ज़रूर आप लोगों को फिर बताएंगे किसी ब्लॉग में वीडियो में ज़रूर बताएंगे कैसी। वैसे सब बताते बहुत टेस्टी है, लेकिन ताज़ी मलाई रखी थी मैंने तो वो बनाई हूँ, तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को खाना खाने के बाद। और फिर हम बनाएंगे दोबारा, तो ये सब यहाँ पर सजा के रख रही हूँ, बिस्किट विस्किट।